सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज के वीडियो में देख सकते हो ये पॉलिश ऐप है, इसके ऊपर ट्यूटोरियल लाया हूँ। देख सकते हो न्यू ऐप है, इसके ऊपर लाया हूँ। मैं बहुत दिन से इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, तो देख सकते हो ये रहा ऐप। आप प्ले स्टोर से सीधा पॉलिश टाइप करोगे तो ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख सकते हो और जो क्लियरिटी रहती है इधर हाई, फर्स्ट अपने काम है इसका लेगर रहेगा, हाई कर दो। अगर प्ले स्टोर से सब्सक्रिप्शन इसका फ्री ले लिया है तो ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हो बहुत सारे इधर ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे कैमरा भी डायरेक्ट ओपन होने के बाद कैमरा भी डायरेक्ट ओपन हो जाता है। और यहाँ से जो भी फोटो लेना है कॉलेज करके रहता है तो यहाँ से कॉलेज कर सकता है। वो भी मैं बाद में इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा। देख सकते हो अभी फ़ोटो दिखाना है, इसलिए देख सकते हो फोटो पे क्लिक करेंगे, ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो ये रहा फ़ोटो। तो सिंपली क्या करेंगे, जो टूल है एक एक करके बता देगा। देख सकते हो क्रॉप में जाने के बाद यहाँ पे मिलता है क्रॉप। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको रेशियो चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अपन इंस्टाग्राम के लिए देख सकते हो ये बराबर ये लगता है, ये के लिए 1.1 पे है। और स्टोरी डालने में इंस्टा के तो यहाँ लगता है। और जो यूट्यूब पे थंबनेल बनाते हैं, देख सकते हो ये वाला थंबनेल, इसके लिए ये भी यूज़ कर सकते हो। और अगर फुल स्क्रीन करना रहेगा, पूरा स्क्रीन रहता है ना फुल स्क्रीन, तो इसके लिए देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन करके है, ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। अभी तो इंस्टाग्राम के लिए चल रहा है तो यहाँ से यहाँ डन कर देंगे कुछ इस तरह से। देख सकते हो यहाँ से अगर गलती से भी कुछ हो गया तो यहाँ देख सकते हो ये रहा बैक कर सकते हो। बाकी यहाँ से ट्रांसफ़र मिलेगा अपन को, जैसे यहाँ से एडजस्ट करना है यहाँ से आप, अगर ऐसा हो तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ से रोटेट करना होगा तो रोटेट भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। देखो अगर वर्टिफाई है तो इसको को नीचे ऊपर या हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे रखूँगा। दूसरा ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे फिल्टर का है। यहाँ पे तीन टाइप के फिल्टर है, ग्रिप और एडजस्टमेंट। तो देख सकते हो यहाँ पे ऐप की तरह से प्रीसेट देते हैं, जो भी अपन को यूज़ करना होगा तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो रहा, बाकी सब अभी आप कर सकते हो। यहाँ पे ये भी मिलते हैं ग्रेचर का, देख सकते हो कुछ इस तरह से, जो हॉर्जिडाइट डेटी है कुछ इस तरह से, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ से डबल प्रेस करने पे यहाँ से आप इसको मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हो कैसा है। ये भी दिखने में बहुत ही मस्त लगता है, देख सकते हो कलरफुल कुछ इस तरह से है। यहाँ भी है कुछ इस तरह से, बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं। बाकी सब यहाँ पे देख सकते हो एडजस्टमेंट करना रहता है। बाकी यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ। या देख सकते हो तीसरा तो अपना ऑप्शन है, देख सकते हो एडजस्टमेंट यहाँ पे देख सकते हो। पहला कर यहाँ से अपन को जो भी चाहिए उस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। देख सकते हो रेड वाला है, ये सब इसे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देख सकते हो अपना मिक्स टूल है, यहाँ से अपना मिक्स टूल यूज़ कर सकते हो फ्री में। पूरा मिक्स टूल लाइटरूम के मिक्स टूल की तरह पूरा इस ये भी काम करता है, देख सकते हो कुछ इस तरह से। सेम टू सेम उसी तरह ये भी वर्क करता है, देख सकते हो मैं कर रहा हूँ जैसे, ये भी सेम वैसे ही वर्क करता है। यहाँ पे मैं अभी डन भी कर सकता हूँ, तो मैं अभी बैक कर दूँगा दिखाने के लिए। यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो कुछ इस तरह से, कंट्रास्ट अपना जो भी रहता है, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो अपने मुताबिक से कर सकते हो कुछ इस तरह से। देख लो ये यहाँ से है, यहाँ पर विग्नेट डाल सकते हो, हुए परफेक्ट, और ग्रेन रहता है ना अपना डालना वो ले सकते हो। मैं अभी बैक कर दूँगा सब यहाँ से, देख सकते हो सब किया था, ये बैक आ गया। इसके बाद ये देख सकते हो फोर्थ वाला है, आप यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हो जो भी रहेगा, बहुत सारे यहाँ से इफेक्ट है, आपको जो पसंद आएगा यहाँ से डाल सकते हो। मैं सब दिखाने के लिए काम देख सकते हो, जैसे कि ये वाला इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट है। डबल प्रेस करने पे आपको मल्टीपल चाहिए, स्क्रीन चाहिए, लाइटन चाहिए, यहाँ से डाल करके यहाँ से आप दोनों प्रेस करके यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो, इसका ओपेसिटी कितनी चाहिए, और यहाँ से देख भी सकते हो। जैसे कि यहाँ पे रंग लगा दिया, यहाँ ये वाला टूल है ना, यहाँ से देख भी सकते हो ऐसा प्रेस करके। बाकी बहुत सारे यहाँ पे टूल है, देख सकते हो किस तरह से है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं।
बाकी यहाँ पे यार जो अपना रहता है कार्टून पे वो कर सकते हो, इसके लिए नेट की जरूरत पड़ती है। बाकी यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे न्यून कुछ मिलते हैं, इफेक्ट मिलते हैं जो यूज कर सकते हो। बाकी देख सकते हो यहाँ पे ट्रिप ये वाला पहले ट्रेनिंग में आया था, ये यूज कर सकते हो आप। कार्टून का रहता है कुछ इस तरह से, इसके लिए नेट का जरूरत पड़ता है। बाकी सब ओवरले यहाँ से डाल सकते हो, कुछ ओवरले डालना हो या गैलरी पे इधर क्लिक करके गैलरी से भी ले सकते हो। बाकी फ्लैश और ये तीन चीज़ें दूसरा मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो ब्यूटी पर यहाँ से क्या सकते हो, खुद का फेस को स्मूथ कर सकते हो ऑटोमेटिकली। देख सकते हो खुद में फेस को मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो खुद फेस स्मूथ हो रहा है। यहाँ से डार्कन तो वाइट कर सकते हो कुछ इस तरह से, यहाँ से शार्पनिंग भी ऐड कर सकते हो। देख सकते हो बिफोर आफ्टर, यहाँ से देख बिफोर का या आफ्टर का कुछ देख सकते हो। यहाँ से कट कर देता हूँ एक्सटेंशन चेंजेस, फेस को भी यहाँ से अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो, कैसा चाहिए हो, आइज कैसा चाहिए, लिप्स नोज नोज भी सब यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जब बीच बीच में पिंपल रहता है तो यहाँ से क्या करते हो, ऐसे प्रेस करके यहाँ इसको गायब कर सकते हो, चला जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जो भी रहेगा वो चला जाएगा, यहाँ से डन करने से हो जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह से। बाकी जो मेन वाला आता है अपना रिमूव करना, जैसे कि बैकग्राउंड में कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं ना जो रिमूव करनी होती है, तो यहाँ से भी कर सकते हो। इन इसके ऊपर भी टूफी रहे चाहे तो बता दो, मैं इसके ऊपर भी टूफी लगा, ये देख सकते हो ये वाला रिमूव करना है। जैसी चीज़ें वो सिलेक्ट करेंगे देख सकते हो गायब हो गया, ये अपन को नहीं चाहिए था। यहाँ पे रेड भी है देख सकते हो, एक गलती से हो गया तो यहाँ से टी भी कर सकते हो, ये रेड वाला करना है देख सकते हो रिमूव हो गया। रिकवरी भी कर सकते हो जो भी था, यहाँ से देख सकते हो रिकवरी भी हो रहा है, यहाँ पे रिकवरी यहाँ से ओपेसिटी अपने मुताबिक से एडजस्ट कर सकते हो और डन भी कर सकते हो। अभी तो मैं फिलहाल बैक कर दूंगा। इसके बाद आता है रिमूव, यहाँ से फिट अपना जो भी रेशियो रहता है ना, कभी कभी वाइट देखा होगा, कभी कभी वाइट फोटो लगाया या ब्लैक क्या रहता है, तो यहाँ से पर्स ओपन कहता है रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो जो भी अपन को चाहिए। जैसे कि 4.5 का रेशियो लिया इंस्टाग्राम का बराबर, यहाँ से अपन को जो भी कलर है एडजस्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है अभी डाउनलोड करके ये मिल सकते हैं। बाकी वाइट डालना रहेगा, ऐसा वाला फोटो देखा है कि साइड में वाइट वाला है, और जो ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो या कस्टम ब्रर रहते हैं ना, तो ब्रर भी देख सकते हो, कितने से डाल सकते हो, कस्टम भी ले सकते हो। बाकी सब यहाँ से अगर बॉर्डर करना रहेगा तो इधर से देख सकते हो कुछ इस तरह से बॉर्डर भी कर सकते हो। यहाँ पे पोजिशन है, पोजिशन अपने मुताबिक से जितनी चाहिए उतनी रख सकते हो। बाकी ये देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट है, जो भी आप उनको टेस्ट है, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ, देख सकते हो ये सिलेक्ट लिया तो यहाँ से देख सकते हो कीबोर्ड आएगा, बस तो अपन डन कर देंगे। फंड जो भी अपन को फंड चाहिए यहाँ से ले सकते हो, कस्टम फंड भी यहाँ पे देख सकते हो, ये फ्री में मिलेगा, इसको सिर्फ डाउनलोड करना रहेगा, डाउनलोड करने के बाद मिल जाएंगे। बाकी कस्टम भी इम्पोर्ट योर फंड, यहाँ से अपन गैलरी से जो अपने खुद के फंड होते हैं यहाँ से ले सकते हो। अभी तक फंड को नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ दिखाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे कलर भी चूज कर सकते हो अपने फंड को जो चाहिए हो, यहाँ से ईड भी कर सकते हो, जो शैडो चाहिए कुछ चाहिए यहाँ से दे सकते हो। बाकी यहाँ पे एक देख सकते हो ये वाला इफेक्ट है, ये वाला ऐड कर सकते हो। बाकी डिलीट करना रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करके ये वाला पे करके डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे स्टिकर मिलते हैं, जो भी आपको स्टिकर चाहिए, जैसे कि ये वाला तो ये वाला भी स्टिकर, बहुत सारे स्टिकर है यहाँ से लगा देगा अपने बिना उसे देख लो। मैं डन करता हूँ, अगर बैकग्राउंड में ब्रर थोड़ा चाहिए तो देख सकते हो इस तरह से ये वाला है, ये वाला अपने मुताबिक से यहाँ पे ब्लर एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से एडजस्ट करके, फिर यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो बैकग्राउंड में अगर ब्रर चाहिए तो। अभी तो मैं डन कर रहा, यहाँ से अपना गैलरी का जो भी फोटो रहेगा वो ले सकते हो, ड्रॉ करना रहेगा कुछ, जैसे कि ये रहा ब्रा ड्रॉ करना, तो बाकी कुछ रहता है ना ये ड्रॉ करना, तो यहाँ से इजीली कर सकते हो। बाकी यार मैजिक कुछ फीचर भी है, यहाँ से न्यून डालना रहता है तो यहाँ से अपना न्यून भी डाल सकते हो अपनी मदद से लेते हो। ये इनहस से यहाँ से इनहस भी कर सकते हो, जो भी रहेगा डबल एक्सपोज जो भी रहेगा फोटो ले सकते हो, ऐसे में गाली जैसे दिखा देता है डबल एक्सपोज, देख सकते हो ये डबल वाला डबल फोटो आ गया। बाकी जो भी रहता है यूट्यूब यूट्यूब कुछ भी रहेगा तो यहाँ से आप देख सकते हो, और यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हो। बाकी ये हो गया
उसके बाद यहाँ पे आता है कटर, अगर आपको कटर करना है तो जैसे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी टूल है, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो या मैनुअली अपने मीटर से बैक कर देता हूँ, मैनुअली देख सकते हो। यहाँ से जूम भी बहुत सारे कितने भी जूम कर सकते हो, इसे थोड़ा थोड़ा करके भी कटआउट कर सकते हो। इसके मैं ट्विटर लाऊंगा एक दिन, तो यहाँ से देख सकते हो मिरर भी है, यहाँ पे जो भी अपना मिरर 3D जो भी चाहिए यहाँ से ले सकते हो। बाकी बॉडी यहाँ से अपना जो भी मुताबिक कर सकते हो। अभी इस फोटो को सेव करने के लिए देख सकते हो यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन रहेगा, डायरेक्टली सेव हो जाएगा कुछ इस तरह से देख सकते हो। बाकी इसका क्लियरिटी थोड़ा लॉस हो जाता है, इसके लिए क्या करेंगे अदर पे क्लिक करके यहाँ पे लाइटरूम वगैरह कुछ लाइटरूम या ऑटो स्केचबुक ऐप रहता है उसमें जाके सिंपली पेस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फिर उधर से सर्व करोगे तो क्लियरिटी लॉस नहीं होगी, वैसे भी वैसे आ जाएगी। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते कुछ ऐसे वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते कुछ ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।